तो कोरोना वायरस के बीच में सभी का स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट बनाने के लिए। अब देखो, सबसे पहली बात बता दूं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बना दी जो कि पार्ट वन था, जिसके अंदर मैं बताया था ये क्या क्या मतलब कैसे पढ़ना है, जो बहुत कमज़ोर हो या फिर एकदम नहीं पढ़े हुए हो या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो उन लोगों को कैसे पढ़नी है। तो मैंने उसके बारे में स्ट्रेटजी बनाई थी जिसमें 2000 समथिंग व्यू है, तो अगर चाहते हो वो देखना तो जाके वो वीडियो देख लो ताकि ये वीडियो और अधिक समझ में आए। अब मैं उसका लिंक जिस वक्त में दे दूंगा। अब आते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या पढ़ना है, कि यहां से कैसे से आपको मार्क्स उठाना है, सबसे अधिक मार्क्स किस क्षेत्र से लाना है। अब देखो यहां पर ये पहली बात सुन लो कि जो लोग यहां पर फालतू समय बिताने आए हैं या फिर ऐसे ही क्लिक किए हैं मजे के लिए, तो ये वीडियो आप लिए नहीं है। ये वीडियो जब आए हो तो ये पूरा वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, जिनको पढ़ने की इच्छा नहीं है वो छोड़ दें। और तीसरी बात, जो बोलते हैं आज पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा लेकिन कभी नहीं पढ़ते हैं, तो यहां पर यह आखिरी मौका को मिला हुआ है। बिहार में तैयारी अब कर, क्योंकि एग्जाम की डेट कैंसिल हो चुकी है और ये एग्जाम आपको आएगी 2 मतलब 14 या 15 अप्रैल के बाद ही होगी। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी है, मैं भी उसका लिंक दे देता हूं ताकि वहां देख लेना। अब आता हूं यहां से दोस्तों मेन बात पे, फालतू बकवास करते हुए, कि बिहार बीएड 2000 इस बार पार करना है तो इसका मास्टर प्लान क्या आपकी होनी चाहिए। मास्टर प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं जितना तैयारी बच्चे कर रहे हैं, जितना भी 1 लाख समथिंग फॉर्म भरे हैं उसमें जितना तैयारी कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे जो है 80 पार लाने वाले हैं नंबर। अब 80 पार नंबर जो आएगा अगर एवरेज स्टूडेंट का, तो समझो क्या तगड़ा कंपटीशन होगा। अगर एवरेज ला रहे हैं 80 पार तो फ्रेंड्स बाकी सब कहाँ से लाएंगे, क्यों बता दूँ? क्योंकि 80 पार इसलिए आएगा क्योंकि पहला तो कोरोना वायरस का यहाँ प्रकोप है, दूसरा कि सब अगले साल वाले जिनका जिनका नहीं हुआ था उस सब के सब भीड़ जाएंगे और उन सभी का जरूर है कि आप लोग से अच्छा मार्क्स आएगा, और तीसरा अब पढ़ने में लोगों की इच्छा ज़्यादा हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेरे ग्रुप से खुद 1000 जुड़े हुए हैं, 1000 जो कि दिन रात लगे पड़े हुए हैं। तो सोच लो दोस्तों कि यहाँ पर बहुत ही मतलब समझ रहे हो 50-50 चांस है। अब ऐसे बीच में अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर आप लोग का मास्टर प्लान बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना कम दिन में निकालना है, ऊपर सरकार आपको मौका दे ही दी। अब दोस्तों मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा ही मैं बोल दिया, लेकिन अब शुरुआत करता हूँ यहाँ से। देखो कोरोना वायरस का एग्जाम डेट कैंसिल हो चुका है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा मास्टर प्लान। अब देखो मास्टर प्लान क्या है दोस्तों, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं मास्टर प्लान। दोस्तों बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथोडोलॉजी और रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश, इतने सब्जेक्ट की एग्जाम होती है। टोटल मार्क्स 120 मार्क्स की होती है, सबको पता है। देखो अब मैं आता हूँ स्ट्रेटजी के ऊपर में। देखो यहाँ पर तो सुनोगे तो ध्यान देख लो दोस्तों, बिहार बीएड 2020 की एग्जाम की तैयारी की प्रिपरेशन मेरा क्या है, मास्टर प्लान सुन लेना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को दोस्तों इसके कहीं और भी शेयर करना किसी ग्रुप में, ताकि वो लोग भी समझ सके। अब देखो मैं बता दूं यहाँ पर कि देखो यहाँ पर क्या है कि आपको जीके से 40 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीडिंग से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी से 15 और इंग्लिश से 15, कुल मिलाकर 120 मार्क्स आने वाले हैं। अब यहाँ देखो मैं बता दूं पहले कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो 80 पार ही लाएंगे, 80 से लेकर मतलब कि 70 प्लस नंबर होंगे, 70 71 लगभग सभी का आएगा। और पता है कि जनरल कटअप काफ़ी कम है, मात्र 42 नंबर लाना है, लेकिन 42 वाला का एडमिशन नहीं होती है और जनरल ओबीसी वाला इतना का एडमिशन आपको नहीं होगी, एडमिशन कम लाने के कारण 55 प्लस आपको लाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 70 और एवरेज स्टूडेंट 80 नंबर ला रहे हैं, मतलब सोचो कि हाई स्टूडेंट कितना लाएंगे, 100। और आपने मन में मतलब बैठा रखे हो कि मुझे चाहिए सरकारी कॉलेज, अब इसके थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ से देखो माया मास्टर प्लान क्या है। देखो दोस्तों जीके में जो आपको आ रही है क्वेश्चन, उसमें से हिस्ट्री में से आ रही है, ज्योग्राफी में से आ रही है, पॉलिटी में से आ रही है, जनरल साइंस में से आ रही है, 5 ईयर्स प्लान में से आ रही है, करेंट अफेयर्स बता रही है, ऑदर मिसलेनियस प्लान में से आ रही है, और मैंने इसके ऊपर ढेर सारी वीडियो बना दी है। अब देखो यहाँ पर क्या है बता दूँ कि हिस्ट्री से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, फंसेंगे, ये पक्का फंसेंगे, तो ये मत चलना सोचिए कि नहीं फंसेंगे, हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन फंसेंगे। अब हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन सबसे अधिक होंगे वही बताया था। सबसे पहली बात कि दोस्तों हिस्ट्री में आपको आपने जो मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी की पूरी पढ़ जानी है। और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आता है कि आप एक लूसेंट उठा लो, मैं ये कहूँगा दोस्तों कि लूसेंट से अच्छा किताब कोई नहीं है, लूसेंट उठा लो, लूसेंट में जितना ही मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें से पॉइंट छाट छाट कर खुद से लिख लो। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको गुप्त साम्राज्य की संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, उसके बाद जितने भी साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य, मैंने आपको एक बहुत जल्द मास्टर पीडीएफ दे दूंगा, उस मास्टर पीडीएफ को लेने के लिए आपको मेरे ग्रुप में ही जुड़ना पड़ेगा और कहीं मैं मास्टर पीडीएफ नहीं डालूंगा, क्योंकि वो सिर्फ जो पेड है उनके लिए है, तो उसके लिए लिंक मैं दे दूंगा, जिसमें मुझे आपको जुड़ना है अगर, तो 20 रुपये पेमेंट करो और जुड़ जाओ आज ही। तो बता दूं मास्टर पीडीएफ के तहत में आप पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। उसमें मैं फिर खैर भाई आपको छोड़िए, मैं बताऊँ यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री में क्या कर लो दोस्तों, आप जो जितना ही मॉडर्न हिस्ट्री है वो तो पूरा पढ़ो ही अंग्रेजों के बारे में। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करनी है कि जितना भी गुप्त साम्राज्य ये सब है वगैरह वगैरह, जो बुद्ध आए थे, बौद्ध आए थे, उसका वैदिक जो लोग थे, उसके बारे में थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर डिटेल्स, आपको ज़्यादा मतलब कि भीतर से नहीं जानी है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर, जैसे गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन ये आपको आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन तो 3 से 4 पूछने वाली है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर कंठस्थ कर लो कि ऐसा कोई भी हाइब्रिड क्वेश्चन
जो आपसे पूछा जाए और आप एक बार में उसको जवाब ना दो। मैं आपको क्विज भी बहुत जल्दी हिस्ट्री के ऊपर करवाऊंगा, देखते हैं कितने सारे बच्चे यहाँ पर पास कर पाते हैं। तो वो क्विज के तहत मैं आप लोग जांच कर लूँगा कितना आपने पढ़े हैं। मैंने अपने खुद अपने चैनल पर ढेर सारे वीडियो डाले हैं हिस्ट्री के, तो उसके तहत पढ़ते होते आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। अब यहाँ देखो ज्योग्राफी में आते हैं दोस्तों, मैंने आप पहले ही बोलता हूँ ये थोड़ा वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं बताऊँगा फुल डिटेल से। मास्टर प्लान करनी है, देखो ज्योग्राफी में क्या करनी है दोस्तों कि आपको जितने भी होती है ऊपर की बात सब थोड़ा बहुत वो पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों जितने भी नदियाँ हैं, जितने भी डैम है, वो लगभग जितने भी हाईलाइटेड डैम सब है मैं बता दूंगा आपको कौन कौन याद करनी है, वो सब याद कर लीजिए। ये बहुत ही बेनिफिट होगी, इससे 5 से 6 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में टकराएंगे पक्का। ये 5 से 6 क्वेश्चन पक्का हर साल आती है और इस बार भी आएगी, तो वो सब पढ़ लेनी है, आप छोड़नी नहीं है। और जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ये इसके दरअसल लूसेंट सबसे बेस्ट है, लूसेंट उठा लो, सब उससे बेहतर कोई नहीं होगा। अब मतलब पॉलिटी साइंस से थोड़ा 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल हिस्ट्री की तरफ में। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं, जैसे कि भारत का संविधान कैसे लिखा गया, कौन लिखा, प्रथम सदस्य कौन थे, राष्ट्रपति के उम्मीदवार का कितना होता है उम्र, इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। और इसके लिए दोस्तों जितने भी हाईलाइटर होते कहीं से नोट्स आप ले लो, कहीं से भी नोट्स ले लो, थोड़ा बहुत नोट्स ले लो और थोड़ा बहुत नोट्स पर रीडिंग कर दो। आप रीडिंग कर दे तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं छूटेगा, ठीक है। तो पॉलिटी पढ़ने के लिए आप या तो कहीं से नोट्स ले लो, या फिर दोस्तों मैं ही आपको नोट्स दे दूंगा। मैं अपने चैनल में ही एक आपको दो तीन एक वीडियो बनाई थी आज से कुछ दिन पहले कि लूसेंट में कैसे पढ़े आपको, तो अगर वो देखनी है वीडियो तो वो देख लीजिए, वही बेस्ट आपके लिए है। तो मैंने बना दी थी, खैर आपको उसका भी लिंक मेरे समझ दे दूंगा, देख लेना आप। या 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पढ़ लो काफ़ी हाईलाइटेड कि राष्ट्रपति की आयु कितनी होती है, प्रधानमंत्री बनने की आयु कितनी होती है, वोट कौन कौन दे सकते हैं, उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद कितनी है, ये सब जो होती है थोड़ा बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन सब, इससे आप याद कर लो, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आते हैं जनरल साइंस, देखो जनरल साइंस से 6 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसके लिए दोस्तों मैं जो PDF दिया हूँ आपको अपने ग्रुप में वो काफ़ी है, उससे बाहर आएगी ही नहीं आएगी, ठीक है, वो डट लो। मैं कहता हूँ तो जनरल साइंस के लिए आप लूसेंट के फिर मत पढ़ो, लूसेंट में जो दिया हुआ है जनरल साइंस वो बहुत ही मतलब भारी दिया हुआ है और उससे क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। तो जनरल साइंस में कुछ ऐसा होता है कि जो आपको हाईलाइटेड जो होते हैं काफ़ी हाईलाइटेड वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डालेगी। तो इसके लिए आप साइंस मतलब लूसेंट मत उठाओ, लूसेंट उठाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि लूसेंट में जो बताया गया है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है, वो SSC के लिए है। तो वो दोस्तों मत उठाओ आप, उसके लिए उसको आप छोड़ कर चलो अभी, तो 6 से 7 क्वेश्चन को छोड़ दो। अब आते हैं यहाँ पर इसके लिए दोस्तों, आप जितनी मैं दिया हूँ PDF वो काफ़ी है, आप कहते हो तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना कर दे दूँगा आपको हाईलाइट क्वेश्चन के लिए, कहीं 500 क्वेश्चन बता दूंगा, 500 में से 6-7 बका फंस जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 5-ईयर प्लान मैंने क्लास करवा दी थी, 5-ईयर प लान में से बस या तो 1 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन आएंगे। देखो हर साल इसमें से 1 क्वेश्चन पक्का फंसती है 1 क्वेश्चन। तो आप ये 5-ईयर प लान से रट लो, किसी भी हालत में 5-ईयर प लान जो होती है मतलब पंचवर्षीय योजना वो रट लो। मैंने इसके लिए वीडियो बना दी, वो वीडियो देख लो काफ़ी आपके लिए, वो वीडियो देख लो, जितने भी हाईलाइट मैं बताया हूँ नोट्स बताया हूँ वो सब फटाफट आप नोट कर लो, काफ़ी हाईलाइटेड वो चीज़ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5-ईयर प लान वाले। तो मैं जो बताया हूँ आपको वो 10 मिनट की वीडियो होगी, आपको जाएगी कि मेरे बिहार भी एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा, मैं खाए उसका भी लिंक दे दूँ, उसमें जाकर देख लेना वो ले। तो 5-ईयर BEd प्लान जो है वो भी देख लो, काफ़ी आपके लिए, वो तैयारी करने के बाद आपको बहुत बेनिफिट होगी। आप देखो यहाँ पर करंट अफेयर, वो करंट अफेयर में क्या है कि जितना मैंने पढ़ा दिया है फिर जितना प्रीमियम वो पढ़ा रही है रेगुलर, उसमें से बाहर तो आएगी नहीं। आप देखो मैं बता दूँ कि आपको फरवरी तक ही करंट अफेयर पूछेगी, और हो सकता है मार्च में 10 मार्च के पहले तक की जितनी करंट अफेयर वो पूछ ले। अब यहाँ से करंट अफेयर नहीं पूछेंगे, आप लोगों की क्वेश्चन सेट हो चुकी है। तो करंट अफेयर पढ़ो दोस्तों, जनवरी फरवरी दिसंबर अक्टूबर तक ले लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आधा मार्च, क्योंकि आधा मार्च के बाद मत याद करो क्योंकि वो आएगी नहीं। अभी का करंट अफेयर याद करने में कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस आपको फरवरी भी काफ़ी है, फरवरी तक करंट अफेयर जितनी भी हाईलाइटेड है थोड़ा पढ़ लो, थोड़ी बहुत दोस्तों जान लो। जितनी देखो नेक्स्ट ईयर IPL हुआ था, फिर आपको जो वर्ल्ड कप हुआ था महिलाओं वाला, ये सब जो है हर क्वेश्चन है ये सब पढ़ लो। इतना से मैं बता दूंगा वीडियो का क्या आता है इसमें, मतलब जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं कहते हैं आप नीचे कमेंट में, तो मैं वीडियो में बना दूंगा कि ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप पढ़ लो, इससे 1-2 क्वेश्चन आपको आएगी तो आप आराम से बन जाएगी। आप देखो बता दूँ कि अदर मिसलिनियस, देखिए दोस्तों मैं बता दूँ इसके लिए आपको एक काम करनी पड़ेगी, इससे आपको 10 क्वेश्चन फंसते हैं अदर मिसलिनियस से। देखो मैं क्या एक काम करने पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले इसको याद करने के लिए जितने भी आपको जितने भी डांस होते हैं, जैसे बीहू हो गया, पोंगल हो गया, ये सब डांस जितने भी डिश होते हैं, सांभर इडली डोसा ये सब कहाँ कहाँ का है, उसका जितने भी झंडे के नाम होते हैं, जितने भी संसद के नाम होते हैं, जितने भी मुद्रा के नाम होते हैं, इसके लिए आप एक काम करो दोस्तों, लूसेंट उठाओ। और लूसेंट अगर किताब आपका है तो उसमें एक विविध पेज होती है, ठीक है, विविध होती है 12 या 13 पेज की, आप उसमें खोज लो विविध, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप आपके पास लूसेंट इंग्लिश में है तो उसमें लिखा होगा मिसलेनियस क्वेश्चन, तो वो वाली उठा लो और उस लूसेंट में से जो 10-12 पेज की है उसमें प्रत्येक चीज़ रट जाओ, कोने कोने रट जाओ, उसमें से बाहर आपको नहीं आएगी, और वही विविध काफ़ी आपके लिए है।
तो दोस्तों कुल मिलाकर जो मैं बताया स्ट्रेटजी उस स्ट्रेटजी अगर पढ़ते हो तो आपको इसमें से आराम से इतना में से आराम से 40 में से 30 नंबर पक्का है, 30 से 31 32 से पहुंच जाओ उतना पक्का आपको आ ही जाएगी, और ये कंफर्म मैं बताता हूँ आपको आ ही जाएगी। ठीक है, अब आता हूँ दोस्तों यहाँ पर टीचिंग एटीट्यूड की। देखो टीचिंग एटीट्यूड में मैं पहले भी एक बार बोला था और अभी भी मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, इसमें से मेरे 13 से 14 मैंने क्लास का मतलब करवाया हूँ, अभी तक तो मेरे 12 क्लास हो चुके हैं, 11 क्लास हो चुके हैं और अभी 2 क्लास और आएंगे। इतना क्लास कर लो आपकी 25 में 16 से 17 नंबर पक्का है, 16 से 17 नंबर पक्का है। अगर चाहते हो PDF तक ले लो, टेलीग्राम चैनल पर मेरी PDF है टीचिंग एटीट्यूड 1 से लेकर पूरे 16 तक। लेकिन बता दो दोस्तों कि टीचिंग एटीट्यूड की PDF से बेहतर होगा आप क्लास कर लो, क्योंकि क्लास में आपको और ज़्यादा समझ में आएगी और ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाओगे। और दोस्तों अगर चाहते हो आप तो एक छोटा सा जो बुक आप खरीदे हो किरण या फिर यूनिक जो भी सेट परचेज खरीदे हो उसमें कम से कम 1-2 सेट आप बना जाओ, आपके लिए काफ़ी है और मेरी क्लास करो वो काफ़ी आपके लिए, इसमें 16 नंबर आपको दे देगी। अच्छा तो आते हैं रीजनिंग में। देखो बता दो दोस्तों कि रीजनिंग में आपको पढ़ने के लिए मैं जितना भी आपको करवाया हूँ, अभी तो मेरे 15 क्लास आ चुके हैं रीजनिंग के ऊपर में, मेरे वो क्लास तो करो ही। आप कहोगे सर सिर्फ अपना क्लास का पढ़ाई करते हैं, बता दो दोस्तों कि मैं आपको जो जो आता है वही बताया हूँ, उससे बाहर नहीं बताया हूँ। तो अगर आप चाहते हो पढ़ना तो पढ़ो, नहीं तो कहीं और से भी यूट्यूबर बहुत सारे यूट्यूबर पढ़े हुए हैं आप वहाँ से आपको दे सकते हो, मुझे इसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं हो रही है मेरी। ठीक है, क्योंकि जिस तरह मेरा चलता है यूट्यूबर उसी तरह बहुत सारे लोगों का भी चलता है, तो ऐसा बात मत सोचना अपने मन में कि सर ये बोल रहे हैं। अब तो बताता हूँ दोस्तों क्या करनी है आपको, रीजनिंग में आपको मेरी क्लास कर लीजिए या फिर किसी की क्लास कर लीजिए। नहीं दोस्तों मैं कहूँगा क्लास का चक्कर छोड़िए, रीजनिंग के लिए आप SSC का एक MTS का जो सेट होता है, जो घर में पढ़े होंगे आपके भैया दीदी या फिर कभी ना कभी आप ही किए होंगे, तो क्योंकि SSC एक ऐसा नौकरी है जो हर घर में फॉर्म देता है, तो उसका MTS का या फिर SSCHSU का मतलब LDC वाला कोई भी एक बुक उठा लीजिए, उसमें क्या प्रतिदिन कम से कम एक सेट 25 नंबर जब पूछा जाता है 25 से कम से कम एक सेट या फिर ऑनलाइन भी आप उठा लीजिए, ऑनलाइन कम से कम एक सेट जरूर मारिए, और ये आपको हर दिन मारनी है, हर दिन में आपको कम से कम एक सेट, जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक एक सेट मार दिए। आप देखिए दोस्तों 25 में आप 17, 18, 19, 20, 21, 22 आए रहेगा, तो ये तैयारी को काफ़ी बेनिफिट होगी। अब देखिए होता क्या है कि बिहार में जो होती है रीजनिंग उसमें तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, क्योंकि थोड़ा क्या होता है कि उसमें देता है 5 बच्चे बैठे हुए थे, एक उत्तर का एक पूरब का, तो ये सब आपको ऐसे नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आप जो किताब खरीदे हैं यूनिक का जो भी खरीदे हैं उसके लिए काफ़ी है, उसी में से पढ़िए, आपको एग्जाम में से पक्का 25 में आराम से आप 22-23 नंबर इसमें से उठा के ले आओगे। अगर आप कहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा सर ये मेरा कमज़ोर है, आप बोल दो कमेंट में, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अब आता है हिंदी में। देखो हिंदी में बता दूँ, हिंदी में समाज से आएंगे 1 से 2 क्वेश्चन, ये होती है 15 नंबर की। ठीक है, उपसर्ग से आएंगे 1 से 2 क्वेश्चन, रस छंद अलंकार से आएंगे 1 क्वेश्चन, मुहावरे से आएंगे 2 क्वेश्चन, अनेक शब्द के 1 शब्द के आएंगे 2 क्वेश्चन, पर्यायवाची एवं विपर्यायी के शब्द के आएंगे 3 मार्क्स। अब देखिए ध्यान क्या देना दोस्तों आपको मैं समाज पढ़ाया हूँ, करीब करीब 38 मिनट क्लास है, 38 मिनट का वो क्लास कर लो, मैं ये वादा करता हूँ कि 38 मिनट क्लास के बाद में अगर एक भी समास गलत हुआ तो कहिएगा सर आपने गलती बताया। ठीक है, ये मैं आपको वादा करता हूँ, और मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना समास वाली। ठीक है, समास वाली क्लास कर लो, आपकी समास गलती नहीं होगी, और समास पर ध्यान दो दोस्तों, समास से आप ध्यान देते हो तो आपको 2 मार्क्स से फ्री में यहाँ से दे देगा। ठीक है दोस्तों, आप आते हैं उपसर्ग में पढ़ते, उपसर्ग में पढ़ते की मेरी क्लास आई है लेकिन मतलब थोड़ा सा मतलब खराब आई है, आप कहते हो तो इसके ऊपर मैं एक क्लास और ला दूंगा डिटेल से। ठीक है, तो उपसर्ग में प्लस 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्वेश्चन पूछेंगे प्रस्थ इसमें कौन सा उपसर्ग है कौन सा प्रत्यय है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये पढ़ लो दोस्तों, इसमें से आपको 1 से 2 मार्क्स पक्का है। दोस्तों अब आते हैं रस छंद अलंकार। दोस्तों मैंने अलंकार पहचानने की एक मैंने एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से याद कर लो, और मैं बता दूं कि रस छंद अलंकार से बस एक ही क्वेश्चन पूछेगी, नहीं तो दोस्तों पूछ भी नहीं सकती है, बस एक क्वेश्चन से कभी भी आज तक 3 साल का सेट में कभी भी एक क्वेश्चन से वैसे नहीं आया है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए जो चीज़ मेन है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। मुहावरे दोस्तों, मुहावरे ऐसे होते हैं कि लगभग सारे बच्चे बनाए रहते हैं। खैर अगर दोस्तों मुहावरे के बारे में बात करो तो मुहावरे के बारे में एक स्पेशल वीडियो मैंने बना दी थी और जिसमें मैंने PDF दे दिया, उसमें करीब आपको 50 से 60 मुहावरे हैं, तो एग्जाम में आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो 50 से 60 मुहावरे आप याद कर लो, पढ़ लो, बहुत ही बेनिफिट आपको करेगी, उससे बाहर आपको आएगा ही नहीं। अब आते हैं दोस्तों अनेक शब्द के 1 शब्द। देखो इसके लिए क्या करनी है दोस्तों, इसके लिए आप मैंने आपको दिया है PDF, वो PDF लिए काफ़ी मतलब बेनिफिट है आपको, मैंने उसमें करीब 100 से 150 ये शब्द दिए हैं अनेक शब्द के 1 शब्द, जो कि एग्जाम में सबसे अधिक आती है, वो याद कर लो, उससे बाहर दोस्तों आएगी नहीं, किसी भी हाथ नहीं आएगी। और दोस्तों आपको पर्यायवाची एवं विपर्यय शब्द में आते हैं, इसमें थोड़ा सा वो करने में थोड़ा सा रटना पड़ेगा, इसमें थोड़ा आपको रट्टू तोता बनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन पूछते हैं 3 मार्क्स की, इसमें आपको एग्जाम में आती है 3 मार्क्स की, इसमें थोड़ा सा रटू तोता बन जाओ। ठीक है,
क्योंकि बहुत ही बेनिफिट आपको देगी। पर्यायवाची शर्त में आप इतना पढ़ो, इसको थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, तो मैंने आपको पीडीएफ उसके भी दिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको पर्यायवाची से पूछी जाती है। मैंने आपको 50 से 60 का जो लिस्ट है वो बना आपको दे दिया है, वो पढ़ लीजिए, उससे बाहर दोस्तों नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो वो पीडीएफ सब कहाँ मिलेगा, सब मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे ग्रुप में किसी से भी मांग सकते हैं, बिहार बी 24 आवर ग्रुप में, ठीक है। तो बस यही यही है। अब आते हैं दोस्तों इंग्लिश के ऊपर में। देखो जो इंग्लिश दोस्तों है, इंग्लिश में आपको आइटम फ्रेज पर करनी है मेहनत बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें आपको 3 मार्क्स पक्का है। आइटम फ्रेज में आपको 3 मार्क्स पक्का है। उसका तो साइन एंड इंटू थोड़ा करनी है मेहनत, जितने भी होते हैं हाईलाइटेड साइन एंड इंटू वो थोड़ा बहुत पढ़ लो, आप जरूर बन जाएंगे। अगर नहीं बनेंगे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना, साइन एंड इंटू थोड़ा मेहनत कर लो। उसका दोस्तों आप थोड़ा बहुत स्पेलिंग एरर पर मेहनत कर लो। स्पेलिंग एरर में क्या कर लो, एक सेट उठा लो और जितने भी स्पेलिंग एरर है सब बना जाओ, रात दिन बनाओ, जरूर आएगा। इसमें क्या है कि इंग्लिश में कितने बच्चे घबराते हैं, इसमें दोस्तों आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा बस आपको 3 दिन करो मेहनत, आपको पढ़ने में दूसरे मन नहीं लगेगा इंग्लिश, ठीक है। बस 3 दिन आप रेगुलर सेट मारो ना इंग्लिश का, चौथा दिन अपने बाद खुद मन कर जाए कि हाँ इंग्लिश सेट हम रोज़ मारे, तो उस पर थोड़ा बहुत मेहनत कर लो। अब दोस्तों आते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, और कॉम्प्रिहेंशन की प्रीति मैम की 6 से 7 क्लास आ चुकी है, ठीक है। तो वो सभी क्लास कर लो प्रीति मैम की, नहीं तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए खुद से प्रैक्टिस करो। उसमें क्या होगा, कुछ आपको पैसेज दे देगा और कहेगा इसी पैसेज में खोज खोज के इसका आंसर दीजिए, वो काफ़ी आसान होता है, आप बना सकते हो काफ़ी आसानी से। तो दोस्तों आज की वीडियो में से इतना ही, मेरे ख्याल से आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी मैंने आपको बताया लिंक सब वो लिंक मैं दे दूँगा, जाकर वहाँ चेक कर लेना और सभी वीडियो मेरा देख लेना। उसके बाद दोस्तों मेरे टेलीग्राम से पीडीएफ को फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ बिल्कुल फ्री आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मुझे जुड़ना, पेड सब्सक्राइबर बनना, तो उसके लिए आपको 20 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके बाद मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो नमस्कार, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको, तो जो भी बच्चे बीएड तैयारी करने वाले हैं उनको उनके सामने शेयर कर दीजिए, ये मास्टर प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। तो धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, आरके पॉइंट को, गुड बाय।